तो दोस्तों Realme की तरफ से Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है, जो कि 200 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस सेंसर के साथ आएगा, जो कि बहुत ही कम प्राइस में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन आने वाला है। प्लस यहां पर MediaTek Dimensity 1080 का एक प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। बाकी इस फोन में काफ़ी सारे नए नए एंड काफ़ी कमाल के फीचर्स है। 20 से 25 हज़ार के बीच में यह स्मार्टफोन आने वाला है। तो बात करेंगे इस फोन के फीचर्स, लॉन्च डेट, प्राइस एंड सभी फीचर्स को लेकर। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। सो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल काफी राउंड सा देखने को मिलेगा, ट्रिपल लेयर कैमरा का मॉड्यूल होने वाला है। काफी राउंड सा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जैसा कि आप डिजाइन देख ही सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरे को लेकर, जिसमें प्राइमरी 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। एंड इससे आप काफी बढ़िया 4K से भी ऊपर के वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज को खींच पाओगे। प्लस यहां पर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस भी होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर। सो यहां पर 6.7 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का कर्व्ड सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज सेट हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पर जो बेजल्स है वो बहुत ही कम होने वाले हैं, कर्व्ड डिस्प्ले होने वाला है, उसकी वजह से काफी जो है अलग ही एक डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रीमियम लेवल के जो फोन्स होते हैं वैसे ही बिल्कुल एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर। सो काफी ज्यादा स्मार्टफोन का डिस्प्ले जो है एक बढ़िया होने वाला है। बाकी यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और कई सारे फीचर्स और होंगे। बाकी दोस्तों आइए बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस को लेकर। सो यहाँ पर MediaTek Dimensity 1080 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। हाई लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे हाई स्मूथ में, काफी कमाल का होने वाला है इस फोन का प्रोसेसर। बहुत ही हाई लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे हाई ग्राफिक्स पर। एंड यस, बिना लैग और हीटिंग के आराम से कर पाओगे गेमिंग, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं फोन के बैटरी को लेकर। सो यहाँ पर 4500 mAh की एक बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी। प्लस इसे जल्दी से चार्ज करने के लिए इस फोन में बहुत ही सुपर फास्ट वाली चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि 15 से 18 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर देती है, जो कि यहाँ पर 80 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट रहेगा। एंड 80 वोल्ट का एडाप्टर भी बॉक्स में ही मिल जाएगा फोन के साथ ही। तो दोस्तों ये चीज मुझे काफी एक हाईलाइटिंग पॉइंट लगा। आपको इस फोन का कैसा डिजाइन एंड कैमरा डिस्प्ले प्रोसेसर कैसे लगे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कनेक्टिविटी को लेकर बात करें, सो यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक, ड्यूल स्टोरेज स्पीकर्स, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड सभी तरह के फीचर्स और मिल जाएंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट को लेकर। सो अभी तक ब्रांड की तरफ से इस फोन की प्राइस रिवील नहीं किया है कि कितने में यह स्मार्टफोन आने वाला है, बट काफी सारे लीक्स एंड आर्टिकल्स के थ्रू बताया जा रहा है कि इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस जो हो सकती है वो 20 से 25 हज़ार के बीच में ही आएगी, जो कि बेस वेरिएंट होगा 8GB और 128GB का स्टोरेज। बाकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें, सो ये फोन जो है 1 से 2 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा या फिर अगले महीने के ही अंदर लॉन्च हो सकता है। लेकिन दोस्तों ब्रांड की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है कि कब ये लॉन्च होगा, कितने प्राइस के अंदर आएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में स्मार्टफोन की जो अपडेट है वो आने वाली है फोन की प्राइस एंड लॉन्च डेट की। सो जैसे ही इस फोन का अपडेट आएगा, सो सबसे पहले मैं वीडियो बना दूंगा इसी पर। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्मार्टफोन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।